अस्सलामुअलैकुम, वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम मेहरान की रेसिपी मसाले यूज़ करते हुए, क्योंकि ईद का दिन है, ईद का पहला दिन है, बकर ईद है और पता है आपको कुर्बानी वाली गोश्त की ईद होती है, गोश्त की ईद में हम मसालों को यूज़ करेंगे और हमारे पास जो हमारी R&D है उसके मुताबिक जो बेस्ट मसाले सब पाकिस्तान में मौजूद हैं वो मेहरान के हैं। मेहरान का मसाला ये वही मसाला जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है, पाकिस्तान में भी दिया जाता है, वही एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट होती है और हर जगह पे दुनिया में पहुंच जाती है, ज़्यादातर मिडल ईस्ट में यूज़ करते हैं। तो मेहरान जो मसाले हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मैंने पहले भी यूज़ किए हुए, मैं करता रहता हूँ, शानदार मसाले हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा सजावट इसलिए की है कि मेहरान का ये तिक्का बोटी का मसाला है जो कि एक साशे बहुत ईजीली मार्केट में आपको अवेलेबल होता है। अभी जो एक साशे है ये तकरीबन 200 ग्राम्स यानी कि आप एक पाया गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास अराउंड 2-2.5 किलो का गोश्त है, साफ़ी गोश्त है। इसमें हमने ये लेमन की एक स्ट्रिप डाल ली है जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, लेमन हमने यूज़ करना है, वैसे हमने काट के भी रखे हैं, और मेहरान का ही जिंजर गार्लिक, जिंजर का पेस्ट डालेंगे और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे मेहरान ही का, वो हम अपने मुताबिक एक एक स्पून डालेंगे, टी स्पून डालेंगे, और उसके अलावा हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम मैरिनेट कर देंगे और मैरिनेट करके रख देंगे। हम इसके अंदर हम क्योंकि 2 किलो का गोश्त है तो हम अराउंड इसमें 4 से 5 पैकेट डालेंगे। वैसे आप लोग अपने हिसाब से ज़्यादा अगर स्पाइस यूज़ करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। मेहरान के जो टेस्ट है वो शानदार टेस्ट है, आपको यकीन, और ये आपको जो इस क्योंकि तिक्का बोटी मसाला है तो इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की और रेसिपी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गलाने के लिए कुछ लोग मुख्तलिफ मसाले यूज़ करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला ऑलरेडी सब कुछ इसके अंदर मौजूद है, टेस्ट भी मौजूद है और सब कुछ। थोड़ी देर के रोक ले पाई, ओके जी गाइस, तो देखें मैंने अराउंड 2 डाल दी हैं, मैं ये तीसरा मसाले का पैकेट भी बीच में डाल दिया है। मुझे हमारे यहाँ वैसे कम स्पाइस पसंद की जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि हमने इसको मैरिनेट ज़्यादा टाइम के लिए करना है तो मैं 4 पैकेट्स डालूँगा, तो उसके बाद हम बाकी इसके ऊपर काम करेंगे। ये हमारी शहज़ादी भी आ चुकी है, हमारे पास आके बैठ गई है, आयरा रानी इसका नाम है ये जब भी। और ये देखें हम लेमन डाल देते हैं इसके अंदर, लेमन आप वैसे 3-4 डालें क्योंकि मैंने लेमन की स्ट्रिप्स ऑलरेडी इसमें डाल दी थी, क्योंकि हम फ्रीज़ करके रखते हैं, तो ये दिखाने के लिए मैंने एक लेमन भी लेदर से काट लिया फ्रेश, ताकि वो भी हम यूज़ कर लें। हम वैसे लेमन के क्यूब्स बना लेते हैं, लेमन का जूस निकाल लेते हैं और लेमन का जूस निकाल के वो फिर हम फ्रिज में रख देते हैं, उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए आसानी होती है कि हम इसको जब यूज़ करना होता है तो वो हम निकाल के यूज़ कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हम ऑलरेडी मेहरान का यूज़ करेंगे, वो हमने निकाल के रखा हुआ है, वो मैं इसके अंदर डाल लूँ। थोड़ा सा इसमें वाटर डाल के लो, लेकिन जी सबसे ज़्यादा अच्छा जो तरीका है मैरिनेट करने का वो आपके हाथ हैं, हाथ साफ़ होने चाहिए, धुले भी होने चाहिए। आप सबसे पहले जब भी कुकिंग करने के लिए निकलें बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह ताला का नाम लें, क्योंकि ये जो हमने कुर्बानी की है बेसिकली ये हम अल्लाह ताला का नाम लेकर कुर्बानी करते हैं और अल्लाह ताला के ही लिए कुर्बान करते हैं चीज़ों को, तो इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला इसका अजर देंगे। बेसिकली अल्लाह ताला नियतों को देखते हैं कुर्बानी के लिए। ये हमारी शहज़ादी आई है और शहज़ादी ने आके कुछ कहा है, देखते हैं। हमने कोशिश की है कि जब आप इसको मैरिनेट कर लें तो आपको खुद फील होगा कि मसाला कम है या ज़्यादा है, देखिए आपको आपको फील होना चाहिए कि एक एक बोटी के साथ मसाला एडजस्ट हो चुका है। बेसिकली मेहरान के मसालों को जब भी आप इस्तेमाल करें, बस कोई भी मसाला इस्तेमाल करें, लेकिन मेहरान का जो मसाला है वो अपनी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो खुद बताती हैं कि यार मतलब उसकी शेप है, उसकी जो शक्ल है, उसका जो कलर है वो मतलब ज़बरदस्त कलर है, क्योंकि सब चीज़ें बीच में ऑलरेडी यूज़ होती हैं जी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और डाला है, मेहरान का आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लें,
ताकि आप वैसे जिंजर का पेस्ट लैदा और गार्लिक का पेस्ट लैदा भी कर सकते हैं और दोनों का जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं। मेहरान के दोनों पेस्ट अवेलेबल हैं, यानी कि जार में वो मौजूद है मार्केट के अंदर। जिंजर का पेस्ट लैदा से भी है और गार्लिक का पेस्ट लैदा से भी है और जिंजर गार्लिक मिक्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। तो वो थोड़ा सा टेस्ट के लिए, थोड़ा सा उसके अंदर अपनी रंग दिखाने के लिए, रंग जमाने के लिए हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया। मुझे फील ये आ रहा है कि मैं बीच में एक पैकेट थोड़ा सा और डालूंगा, क्योंकि मैंने 3 पैकेट डाले हैं, थोड़ा पैकेट में एक और डालूंगा। गाइस तो ये हमने मेहरान पुलाव मसाला यूज़ करते हुए ये इस पुलाव बनाया है। ये मटन पुलाव, आप इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहरान पुलाव मसाले के साथ क्या ही शानदार खूबसूरत किस्म का जो है पुलाव तैयार है। ये हमने मेहरान मसाला यूज़ करते हुए ईद के पहले दिन मेहरान पुलाव के साथ पुलाव तैयार किया है। जी गाइस तो हम टिक्कों की तरफ आते हैं। ये हमने जो मटन टिक्के तैयार किए थे इनको हम सीखों के ऊपर लगाने के बाद कोयलों के ऊपर रख देंगे। आप ये याद रखिए कि कोयले जो हैं वो आपके प्रॉपरली होने चाहिए, सुलगे हुए होने चाहिए, उसमें से आग नहीं लगी निकल रही होनी चाहिए। टाइम के साथ साथ इनको चेक करते रहें और चेंज करते रहें, इनकी पोजीशन को भी साथ साथ चेंज करते रहना चाहिए। तो आप ये देखते रहें कि आप साथ में, हमने चिकन के भी कुछ टिक्के डाले हुए हैं क्योंकि वो हम लोगों ने चिकन के भी कुछ टिक्कों को, कुछ बोटियों को तैयार करवाया हुआ था ताकि कुछ लोग जो है लाइक करते हैं चिकन, तो वो चिकन साथ हमने साथ साथ आप ये देखते रहें कि अगर कोयले के ऊपर ज़रा सी भी वो वाइट सा पोर्शन जिसे ऐश कहते हैं आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा आप हैंड फैन के साथ उसको साफ़ कर लें, थोड़ी सी हवा देंगे तो वो उड़ जाएगा, जिससे जो है ना हीट प्रॉपरली टिक्कों को लगेगी। ये ध्यान में रखिए कि जो कोयलों का फासला और टिक्कों का फासला है वो एक स्टैंडर्ड फासला होना चाहिए, 6 इंच, तकरीबन 4 से 6 इंच का फासला होना चाहिए। जितने करीब होंगे उतनी जल्दी कोयले तिक बोटी ख़राब हो जाएगी, जल्दी सड़ जाएगी। ये देखें, ये 2 बोटियाँ आलमोस्ट तैयार हैं। हम इनको उठाएंगे और इनको ऑयलिंग करेंगे थोड़ी सी, ये ऑयलिंग कर लेंगे साथ, ताकि ज़बरदस्त किस्म की ऑयलिंग भी हो जाए और बोटियाँ जो उनके अंदर एक टेंडरपन है वो आ जाता है इस ऑयल से। बेसिकली आप ये ब्रश से भी ऊपर भी इसकी प्रॉपरली ऑयलिंग या घी आप लगा सकते हैं, इसको रोगन बोलते हैं। तो ये बेसिकली जान होती है टिक्का बनाने की, जब इसे, जब ये कोयले के ऊपर गिरता है इसका ड्रॉप, तो उसके जो धुआं है वो भी समझें कि ये इसका बेसिकली बेसिक रेसिपी वही है, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट आता है उसका, कोल का टेस्ट आता है बोटी के अंदर। तो इस तरह यहाँ प्रॉपरली सारी चीज़ों को हैंडल कर लें। गाइस देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है धुआं भी निकल रहा है ऑयल का, और एक ज़बरदस्त सा जो है मतलब उसकी लुक आ रही है बोटी की। सिर्फ और सिर्फ मेहरान मसालों के इस्तेमाल से जो है ना इसका टेस्ट डेवलप हुआ है। शक्ल है बेसिकली आपकी अपनी बेसिक्स हैं, आपने इसके ऊपर जो काम किया हुआ है वो उस तरीके से इसकी शक्ल बनती है। ये जो ऑयलिंग की है, टेंडरिंग जो की है उसकी, ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर इसके रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त टेंडर, जूसी और माउथ वाटरिंग होगा। अब ये देखें, आप इसको प्रॉपरली करके निकाल लेंगे और ये आपकी डिश ऑलमोस्ट रेडी है, और आप लोग इंजॉय करें। हम लोग खाते हैं क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप लोग भी बनाएं, ईद के दिन हैं और इसको इंजॉय करें। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।